ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ संदीप महेश्वरी की लाइफ की तीन ऐसी क्वालिटीज जिन क्वालिटी ने संदीप महेश्वरी को लोगों के सामने भगवान बना दिया। तो ये वीडियो को आप, मैं आशा करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिस क्वालिटी के दम पर संदीप महेश्वरी आज लोगों के दिलों में भगवान के जैसे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब के साथ साथ आप इस चैनल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, सो दैट जो मैं डेली वीडियो बनाता हूँ वो आपको आपके फ़ोन में दिख पाए। सेकंड थिंग, एक छोटी सी अपील और है आप लोगों से, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और मुझे अपने सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर हमेशा एक्टिव रहता हूँ, हर किसी का रिप्लाई मैं वहीं पर देता हूँ। तो प्लीज़ गाइस अपना सपोर्ट दिखाइए, लाल कलर का बटन है प्लीज़ उसे क्लिक कीजिए और घंटे के आइकन को प्लीज़ दबाइए। संदीप महेश्वरी की ज़िंदगी की सबसे पहली क्वालिटी मैं आपको बताना चाहूँगा और वो क्वालिटी है फ्री सेमिनार। इस पूरी देखिए, अगर आप पूरी की पूरी मोटिवेशनल इंडस्ट्री को उठा करके देख लोगे, बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिन्होंने फ्री सेमिनार लोगों को प्रोवाइड किया है। अब फ्री सेमिनार का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर है जो 1.5 से 2 घंटे आप लोगों को स्ट्रैटेजी, टूल्स, टेक्निक बताएगा, आपकी ज़िंदगी में किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके सामने आएगा, आपको वो सारी चीज़ें बताएगा जो आपको सक्सेस होने के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए वो आपसे कुछ लेगा भी नहीं। और ये चीज़ संदीप महेश्वरी ने की, क्योंकि संदीप महेश्वरी जिस बैकग्राउंड से थे, उस बैकग्राउंड में उनके फादर का जब बिज़नेस शटडाउन हुआ था तो उन्होंने काफ़ी सारी पैसे की प्रॉब्लम देखी थी, जिसके वजह से वो इस चीज़ को कनेक्ट कर पाए और उन्होंने लोगों को फ्री सेमिनार दिखाया, फ्री सेमिनार उन्होंने लोगों को दिया, वो हर स्टेट में जा कर के उन्होंने अपनी स्पीचेस दी, जिससे काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हुआ और जिस वजह से लोग उन्हें आज भी अपना भगवान मानते हैं। तो ये क्वालिटी, अगर हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हुए तो हमें भी यही चीज़ सीखनी चाहिए कि हमें भी कुछ लोगों को फ्री में प्रोवाइड करना चाहिए, सो दैट लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और लोग अपनी ज़िंदगी में इस पूरे भारत देश का नाम ऊँचा करें। सेकेंड क्वालिटी जो संदीप महेश्वरी की ज़िंदगी से हम सीख सकते हैं वो है डेडिकेटेड टू द पीपल्स ग्रोथ। संदीप महेश्वरी ने अपने पूरे 10 साल के YouTube करियर में, अपने बिजनेस करियर में कभी भी किसी से कोई एक रुपए भी नहीं लिया और उन्होंने हमेशा लोगों के लिए कंटेंट बनाया, हमेशा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की अपने वीडियो में, हमेशा उन्होंने लोगों की हेल्प की। और इससे एक चीज़ साफ पता चलती है कि वो लोगों की सक्सेस के लिए, लोगों की पर्सनल ग्रोथ के लिए काफ़ी डेडिकेटेड है, काफ़ी नुछावर है लोगों की सक्सेस के लिए। और ये चीज़ अगर आप, ये जो एक क्वालिटी थी संदीप महेश्वरी की, इस क्वालिटी ने उनकी जो सेल्फलेसनेस की जो क्वालिटी थी कि मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ बताने आया हूँ, कुछ देने आया हूँ, कुछ वैल्यू प्रोवाइड करने आया हूँ और उसके बदले मुझे कुछ भी पैसे नहीं चाहिए, इस चीज़ ने संदीप महेश्वरी को लोगों के सामने भगवान बना दिया। तो अगर आपको ये क्वालिटी अच्छी लगती है तो इस तरीके की कुछ क्वालिटीज़ आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हो, सो दैट हम सभी मिल करके अपनी ज़िंदगी में ग्रो करें। तो ये सेकंड क्वालिटी थी। संदीप महेश्वरी की तीसरी क्वालिटी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा और वो तीसरी क्वालिटी पता है आपको क्या है? वो है कॉन्स्टेंटली कॉन्टेंट क्रिएशन। देखिए, सभी को पता है, जो लोग यूट्यूब में हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, जो मेरे इस चैनल पे नई बार आए हैं, पहली बार आए हैं, तो उनको ये पता होगा कि संदीप महेश्वरी कॉन्स्टेंटली जो है कंटेंट क्रिएट करते हैं, हर वीक उनका जो है एक वीडियो आता ही है। लेकिन सब लोग ये भी बात जानते हैं कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी यानी कि imagesbazaar.com के CEO भी हैं, तो CEO के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लोगों के सामने आ करके कॉन्स्टेंटली कॉन्टेंट क्रिएट करें, और वो भी तब जब उसके लिए उसे कोई भी पैसे नहीं मिले। लेकिन संदीप महेश्वरी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो इतने बड़े इंसान हैं, इतने सेल्फलेस इंसान हैं कि उन्होंने बिना पैसे के लोगों की मेहनत और लोगों की मदद करने की ठानी है, और इसलिए वो कॉन्स्टेंटली लोगों को हर वीक एक ऐसी प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे वीडियो देते हैं जिससे लोग देख करके अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो संदीप महेश्वरी की ये जो थी क्वालिटी तीसरी, कॉन्स्टेंटली कॉन्टेंट क्रिएशन, कॉन्स्टेंटली कॉन्टेंट गिविंग, ये जो एक क्वालिटी है उसने लोगों के सामने संदीप महेश्वरी को भगवान बना दिया। आज ढेर सारे यंगस्टर, ढेर सारे यूथ संदीप महेश्वरी जिसे सीखते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ, मैं उन्हें अपना भगवान मानता हूँ और मैं जानता हूँ कि वो हम सब के लिए एक आइडल है। तो आइए दोस्तों, हम संदीप महेश्वरी सर के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। और देखिए, संदीप महेश्वरी से सीखना इसलिए भी चाहिए क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ किया है अपनी बिजनेस करियर में, अपने पर्सनल करियर में, अपने रिलेशनशिप करियर में, उन्होंने सब कुछ प्रैक्टिकल किया, उन्होंने हर जगह से एक्सपीरियंस लिया और उस एक्सपीरियंस से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाई और वही एक्सपीरियंसेस को उन्होंने सभी लोगों के साथ शेयर किया। तो उनका एक कोट है जो फेमस, कि आप बिजनेस मैन तब नहीं बनते हो जब आपको बिजनेस करना है, आप बिजनेस मैन तब बनते हो जब आप बिजनेस करने से अपने आप को रोक नहीं पाते हो।
तो अगर जो भी भाभी बिजनेसमैन है अगर वो इस चीज़ को सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को अप्लाई कीजिए। और अगर वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ ही घंटे के बटन को दबा करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सो दैट मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको वीडियो मिल पाए। और अगर आपने सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ गाइस अपना सपोर्ट दिखाइए इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।